हेलो भैया, नमस्कार। और मैं हूँ सुब्रत। चलिए चलते हैं माउंटेज में। और आज आप लोगों को लेकर आया मैं एक नया वीडियो, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ जो MIUI 11.0.8 में आप लोग कैसे एक्सट्रीम बैटरी पावर को इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का अभी तक अल्ट्रा बैटरी सेवर नहीं मिला है, लेकिन अभी आपको बताने वाला हूँ जो एक्सट्रीम बैटरी। तो चलिए हम लोग आ गए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर को हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो पहले हम चला जाएंगे क्विक शॉर्टकट मेकर में। मैं क्विक शॉर्टकट मेकर ओपन कर लिया हूँ और इस जगह में सर्च कर लेंगे बैटरी बोल के। और जैसे बैटरी सर्च कर लेते हैं, बैटरी एंड परफॉर्मेंस आएगा, उसमें क्लिक करना है और नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने का दिखाई देगा जो एक्सट्रीम बैटरी सेवर। तो एक्सट्रीम बैटरी सेवर जब क्लिक कर देता हूँ तो इस ट्राई का ऑप्शन रहेगा। तो इस देख सकता है एक्सट्रीम बैटरी सेवर, तो इसको आप लोग का ऑफ रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस जगह में इनेबल करना है। तो एक्सट्रीम बैटरी सेवर क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड एक्टिविटी एंड स्टॉप स्कैन। मतलब आपका जो बैकग्राउंड में जितना सारा ऐप्स चलते हैं एंड जो स्कैन होता है उसको इसको रोक देता है इसको चालू करने के बाद, और आपका बैटरी जो ड्रेन होने से बहुत बचाता है। और चाहते तो आप कुछ ऐप्स को इस जगह में परमिशन दे सकते हैं। इस चार ऐप्स को आप बैकग्राउंड में चला सकते हैं, कुछ भी आप इस जगह चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, जो हम लोगों को अभी तक क्यों बैटरी सेवर, जो अल्ट्रा बैटरी सेवर क्यों नहीं मिला, तो आप लोगों को वो भी देखा देता हूँ। क्योंकि हमारा डिवाइस में अभी तक अल्ट्रा बैटरी सेवर वो शो नहीं हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। तो हम सर्च करते हैं जो अल्ट्रा बैटरी सेवर, और अल्ट्रा जब सेव करते हैं तो सिक्योरिटी आएगा। देख सकते हैं जो सिक्योरिटी में अल्ट्रा बैटरी सेवर आ गया है। तो जैसे मैं ट्राई में क्लिक करूँगा तो ऑप्शन आ गया, लेकिन इसको इनेबल नहीं हो रहा है। लेकिन 11 नहीं हो रहा है क्योंकि शायद लग सकते हैं जो 12 आने के बाद इनेबल होगा, MIUI 12 आने के बाद शायद ये इनेबल हो सकता है। लेकिन हम लोगों का डिवाइस में अभी काम नहीं कर रहा है। अगर आपका डिवाइस में काम कर रहा है तो ज़रूर एक कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि इससे ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।